जाने नहीं बोली, कोई दिक्कत नहीं, हम यही है बेटा, अंदर ही है बेटा, मम्मी पापा सब कोई है बेटा। ये मार्मिक गुहार और दिल को झकझोर देने वाली पुकार एक माँ की थी, जिनकी 3 साल की बच्ची 110 फीट गहरे बोरवेल में अचानक गिर गई। बिहार के मुंगेर जिले में मासूम सना जब करीब 110 फीट गहरे बोरवेल से रात लगभग 9:40 पर महफूज निकली तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। 31 घंटे से ज्यादा चला रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब रहा। एक माँ की आस ने मासूम सना की सांसों को थमने नहीं दिया और मौत को मात देते हुए वो बोरवेल से सुरक्षित निकल आई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ ही सेना के जवानों ने भी जी तोड़ मेहनत की। जिंदगी और मौत की जद्दोजहद में जीत आखिरकार जिंदगी की हुई और 31 घंटे से ज्यादा समय तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब रहा। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और सेना ने सना को सही सलामत बोरवेल से बाहर निकाला। बच्ची को फिलहाल इलाज के लिए एम्बुलेंस से मुंगेर के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो हम लोगों ने मेडिकल एग्जामिनेशन उसका कराया है, सारे उसके वाइटल पैरामीटर सारे नॉर्मल हैं, बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। हम लोगों ने उससे उसका नाम पूछ के, उसकी जगह पूछ के, उसका न्यूरोलॉजिकल टेस्ट भी एक तरह से किया है कि कहीं कोई और अंदर की चोट तो नहीं है उसको, तो बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है, नॉर्मल है। आज हम लोग उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। रेस्क्यू के दौरान बच्ची का पैर फंसा होने की वजह से उसे सुरक्षित निकालने में थोड़ी देरी हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गुजरते वक्त के साथ ही बच्ची के परिजनों की उम्मीद टूट रही थी, लेकिन 31 घंटे की मशक्कत के बाद सना को आखिरकार बोरवेल से सुरक्षित निकाल लिया गया। एक माँ की आस ने मासूम सना की सांसों को थमने नहीं दिया और मौत को मात देते हुए बोरवेल से सुरक्षित निकल आई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ ही सेना के जवानों ने भी जी तोड़ मेहनत की। इसके बाद जब वो असेसमेंट हो पाया कि लगभग 42 से 43 फीट की गहराई पर बच्ची कहीं पाइप के सहारे और क्लिप और जो बोरवेल था उसकी दीवार के बीच में फंसी हुई है, तो उसके बाद हम लोगों ने पैरेलल टनल डिगिंग का काम और वर्टिकल डायरेक्शन में शुरू किया। हम लोग लगभग 45 फुट नीचे गए और उसके बाद हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हम लोगों ने 11 फीट दूरी पर दोनों टनल थे, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में 11 फीट हम लोगों ने डिगिंग किया। इस पूरे कार्य के संपादन में एसडीआरएफ की हमारी दो टीम, एनडीआरएफ ने आज ज्वाइन किया था, उन सब लोगों का सराहनीय योगदान रहा है। इन सब लोगों का प्रयास बहुत ज़्यादा, न केवल इन, ये देखिए पूरी टीम पूरी तत्परता से लगी थी, बिना एक पल भी एक क्षण भी आराम किए, और इन लोगों ने जो सूझबूझ का परिचय वहाँ पर दिखाया आज अंत में, जब सब लोग अधीर हो रहे थे कि इतना समय क्यों लग रहा है, बच्ची का एक हाथ और एक पैर दीवार के और पाइप के बीच में फंस गया था। इसके बाद जब रणनीति आखिरी में बदली गई और टनल का जो दीवार था उसको काट के निकाला गया, उसके बाद बच्ची को हम लोग सुरक्षित बाहर निकाल सके। गौरतलब है कि मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मुर्गियाचक मोहल्ले में मंगलवार दोपहर तकरीबन 3 बजे खेलते समय सना 110 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरी। पहले तो आसपास के लोगों ने खुद ही बच्ची को निकालने की कोशिश की, लेकिन सफल न होने पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने देरी न करते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुला लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मीडिया भी इस चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन को प्रमुखता से दिखाता रहा और पूरे भारत में सना को बचाने के लिए दुआओं का दौर शुरू हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे और पल पल की जानकारी ले रहे थे। आखिरकार प्रशासनिक अमले की कोशिश रंग लाई और सना की जिंदगी बच गई। सना मौत को मात देते हुए सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकल आई। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।